हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्मार्ट किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत मिठाई फ्लावर स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह मिठाई जितनी देखने में खूबसूरत है, खाने में उतना ही ज्यादा मजेदार है। इसे बनाना आसान है, बस मेरे बताए तरीकों को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि यह बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस खूबसूरत मिठाई को अपने त्योहारों या खास मौकों पर बनाइए और उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस खूबसूरत मिठाई को बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी मैदा। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें जलेबियों में डाला जाने वाला ऑरेंज फूड कलर 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे। यह मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल और अब इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो लीजिए, हमारा ऑरेंज कलर का डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। अब हम पीला कलर का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 कटोरी मैदा, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जलेबियों में डाला जाने वाला पीला फूड कलर 1/4 छोटा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका टाइट डो तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो लीजिए, हमारा पीला कलर का डो भी तैयार है। इसे भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। अब हमारा दोनों डो तैयार है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए लोइयां बना लेते हैं। ये मैंने ऑरेंज कलर की लोइयां तैयार कर ली हैं। और ये मैंने पीली कलर की लोइयां भी तैयार कर ली हैं। दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए दोनों हथेलियों से इसका बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मिलाते हुए हम दोनों हथेलियों से सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा दोनों कलर्स का बॉल तैयार है। अब हम एक ऑरेंज बॉल लेते हैं। इसे हम दोनों अंगूठों की सहायता से इसे इस तरह से गोल करेंगे। इसके अंदर पीले बॉल को डालकर धीरे धीरे इसे हम चारों तरफ से बंद करके एक बॉल बनाएंगे। देखिए इस तरह से। ये मैंने दूसरी ऑरेंज कलर की बॉल ली है। इसे भी हम दोनों अंगूठों की सहायता से उसी तरीके से गोल बनाएंगे और उसके अंदर पीले बॉल को डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से बंद करके दोनों हथेलियों से मिलाते हुए हम इसका एक बॉल बनाएंगे। अब मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली है।
अब हम इसे ऊपर से काट लेंगे। इसे हम एक तेज चाकू से ऊपर से बस थोड़ा सा दो क्रॉस कट करेंगे। ये मैंने पहला क्रॉस कट किया है। और ये दूसरा क्रॉस कट लगाया है। ये मैंने एक काट लिया है। अब मैं दूसरे बॉल्स को भी काट कर दिखा देती हूँ। ये मैंने पहला कट लगाया है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ध्यान रहे बॉल्स का आधा से ज्यादा कट नहीं लगाएंगे। और मैंने सारे बॉल्स को इसी तरह से काट कर तैयार कर लिया है। अब हम पहले चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 कटोरी चीनी। ये मेरी 1 बड़ी कटोरी 2 कटोरी के नाप की है। इसमें डालेंगे 1/2 लीटर पानी। इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। चाशनी को हम ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इसे अच्छी तरह से उबालते हुए एक चिपचिपी चाशनी बनानी है। देखिए इस तरह से हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें तैयार किए हुए फ्लावर बॉल्स को एक एक करके डाल देंगे। अब इसे हम धीमी आंच पर तलेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे यह फ्लावर तेल में पकती जाएगी वैसे वैसे यह फ्लावर खिलती जाएगी। देखिए अब ये फ्लावर आकार में आने लगी है। इसे हम धीमी आंच पर ही तलेंगे। और अब ये अच्छी तरह से तल के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम धीमी आंच पर बाकी फ्लावर बॉल्स को भी तल लेंगे। अब हम इसे गरम गरम ही चाशनी में डालेंगे। चाशनी भी हमारी हल्की गरम होनी चाहिए। इसे हम चम्मच से डुबाते हुए अच्छी तरह से इसके ऊपर चाशनी डालेंगे। 2 मिनट तक इसे हम चाशनी में रहने देंगे। दो मिनट चाशनी में डुबाने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो लीजिए हमारा फ्लावर स्वीट्स खाने के लिए तैयार है। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है और यह दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स आप इसे आने वाले त्योहारों में बनाइए और अपने त्योहारों को और भी अधिक खूबसूरत बनाइए। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।